दोस्तों, मेरे और आपके जैसे आम लोग या रिटेल इन्वेस्टर जब भी 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचते हैं तो सोचने में बहुत अजीब लगता है। हम कई बार सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपया या कुछ लाख रुपए इकट्ठा कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है, चाहे हम कितनी भी सेविंग्स कर लें, चाहे हम कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे पैसे के राज के बारे में बताऊँगा, अगर हम उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, थोड़ा सा सेव करके लंबे टाइम के लिए सही जगह पर इन्वेस्ट करें, तो 1 करोड़ रुपये तो क्या कुछ करोड़ रुपये बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। अब दोस्तों, कंपाउंडिंग का नाम हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम कभी भी इसका मतलब सही से समझ नहीं पाते और कोई हमें बहुत सिंपल टर्म्स में नहीं समझाता। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे एक छोटी सी रकम को बहुत बड़ी रकम बना देता है। चलिए दोस्तों, कंपाउंडिंग समझते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में। मान लो कि दो दोस्त थे, ए और बी, दोनों के पास थोड़ा सा पैसा था। उन्होंने बहुत खर्चा करने के बाद थोड़ा सा पैसा बचाया और सोचा कि इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रिटर्न मिल सके। ए ने इन्वेस्टमेंट किया बैंक ए में, जहां से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, और बी ने इन्वेस्टमेंट किया बैंक बी में, जहां से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था। दोनों दोस्तों ने 100-100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और दोनों बैंक ने उनको बोला कि 10% का उनको रिटर्न मिलेगा एनुअली। अब देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी आने वाले सालों में कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं बात करूं पहले साल की, तो पहले साल उन्होंने 100-100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब पहले साल के बाद बैंक ए ने 10% का रिटर्न दिया 100 रुपीज पे, तो उसको कितने का रिटर्न मिला, 10 रुपीज का। तो उसका पैसा बढ़ के एक साल बाद हो जाता है 110 रुपीज। वैसे ही अगर मैं बी की बात करूं, तो बी ने इन्वेस्टमेंट किया था बैंक बी में, जो भी उसको 10% की रिटर्न देता था बट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल के बाद बी को भी 10 रुपीज का रिटर्न मिलता है उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू पे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले साल के बाद दोनों को सेम रिटर्न मिला तो कोई फर्क ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी फर्क पड़ेगा दोनों की रिटर्न्स में। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे साल की। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, तो ए को बैंक ए सेम रिटर्न देगा सेकंड ईयर में भी। जैसे कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं, उसका इन्वेस्टेड वैल्यू था 100, तो उसको सेकंड ईयर में 100 पे 10% रिटर्न मिलेगा, तो उसको फिर से रिटर्न मिलेगा 10 रुपीज का, तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाएगा 120 रुपये। अब मैं बात करता हूँ बी की। अब जो बी को 10% का रिटर्न मिलेगा वो 100 रुपीज़ पे नहीं मिलेगा, बल्कि उसको रिटर्न मिलेगा 110 रुपीज़ पे। ये होता है बेसिक डिफरेंस जो हमें कंपाउंडिंग में मिलता है। तो बी को जो रिटर्न मिलेगा दूसरे साल में, उसको 11 रुपये का रिटर्न मिलेगा, 10 रुपये का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर छोटा सा डिफरेंस जो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि दूसरे साल में ए को जो रिटर्न मिला वो अभी भी 100 रुपीज़ पे मिला, और जो बी को रिटर्न मिला वो 100 पे नहीं मिला बल्कि उसको 110 रुपीज पे मिला। ऐसे करते करते जब मैं फिफ्थ ईयर में पहुंचता हूं, तो फिफ्थ ईयर में जो ए को रिटर्न मिलती है वो अभी भी उसको सेम रिटर्न मिलती है। जैसे कि उसने इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का किया था, उसको 10% का रिटर्न मिलता था, तो पांचवें साल में भी उसको 10 रुपीज का रिटर्न मिलेगा ऑन हिज इन्वेस्टेड वैल्यू। तो उसका टोटल मनी जो बढ़ के हो जाएगा वो 150 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, बी के इन्वेस्टमेंट की। तो बी का इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर साल जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो उसको 100 पे नहीं मिलता बल्कि पिछले वाले साल पे मिलता है। अगर मैं फिफ्थ ईयर की बात करूं, तो फिफ्थ ईयर में उसको जो रिटर्न मिलता है उसको 146 रुपीज से मिलता है, 100 पे नहीं मिलता। तो जो उसको पांचवें साल में जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 15 रुपीज का मिलेगा, ना कि 10 रुपीज का। तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ के हो जाता है 161 रुपीज, और इसका बढ़ के होता है 150 रुपीज। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 रुपीज का डिफरेंस पड़ता है दोनों के इन्वेस्टमेंट में। अब 11 रुपए आपको सुनने में तो बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन मैं आपको परसेंटेज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसको पांचवें साल में जो रिटर्न मिला वो 10 रुपए का मिला, इसको जो रिटर्न मिला पांचवें साल में वो 15 रुपए का मिला। तो दोस्तों, ये जो रिटर्न है वो 10 रुपीज से 50% ज्यादा का है। तो सिर्फ 5 साल में जो उसको रिटर्न मिल रहा था वो 50% से ज्यादा का मिल रहा था। दोस्तों, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है उनको मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत ही सिंपल टर्म्स में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर आपको रिटर्न मिलती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया और पहले साल बाद जो उस पर रिटर्न मिला, नेक्स्ट ईयर आपको उस पर फिर से रिटर्न मिलेगा। मतलब पैसा अपने आप को आने वाले टाइम में कमाता जाता है और बहुत बड़ी वैल्यू बना देता है आने वाले कुछ ही सालों में। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं हर महीने अगले 10 साल तक सिर्फ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूँ एक ऐसी जगह पे जो मुझे कंपाउंडिंग रिटर्न देगा 12%, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 12 लाख का।
लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, वो बढ़ के हो जाएगा 23 लाख से भी ज़्यादा का। तो आपको पता है गेन कितने का हुआ, तो आपको गेन हुआ 11 लाख रुपए से भी ज़्यादा का। दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट किया था 12 लाख का, आपको गेन होता है 11 लाख का। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। ऐसे हम बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी बचत से बहुत ज़्यादा पैसा। दोस्तों ये तो मैंने जो बात की थी सिर्फ 10 साल की बात की थी, लेकिन अगर आज आपकी एज 25 साल के आसपास है तो आप रिटायरमेंट तक थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर ही सकते हो हर महीने 10,000 रुपये की। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये की सेविंग्स करके फिर से एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कीजिए अगले 30 साल के लिए, तो आपका पैसा बढ़ के कितने का हो जाएगा दोस्तों? वो शायद उतने का हो जाएगा जितने की मैंने बताया था कि हम शायद कभी सपना देखते हैं करोड़ों का। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल वैल्यू कितने की होगी। दोस्तों ये है वो मैजिक फिगर, आपका 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल के लिए बढ़ के हो जाएगा 3.5 करोड़ रुपये के आसपास या उससे ज़्यादा का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमारा सपना होता है 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना, लेकिन अगर हम सिर्फ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें अगले 30 साल तक, तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो सिर्फ 36 लाख रुपये होगा जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन रिटर्न से हमारा वो पैसा बढ़ के हो जाएगा 3.5 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 36 लाख का, लेकिन आपको 3.2 करोड़ का सिर्फ गेन ही हो गया, तो आपकी वैल्यू बढ़ के 3.5 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है। ये होता है पैसे का राज, ये होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका सही टाइम पे सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो आपके छोटी छोटी सेविंग्स आने वाले टाइम में बढ़ के करोड़ों की हो सकती है। अब दोस्तों कंपाउंडिंग तो आप समझ गए, लेकिन कंपाउंडिंग के साथ एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन वो बहुत पावरफुल था, और वो था कि इन्वेस्टमेंट होराइजन, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको पता ही होगा कि कंपाउंडिंग अगर उसको टाइम होराइजन के साथ मिक्स कर दिया जाए एक लॉन्गर टाइम होराइजन के साथ, तो कंपाउंडिंग और ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे जैसे कंपाउंडिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है कंपाउंडिंग की वैल्यू और ऊपर जाती रहती है। तो आगे से आप मेरे साथ प्लेज लीजिए कि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि वहाँ से आपको कैसा रिटर्न मिलता है, क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट तो आपके कमाए हुए पैसे पे आपको रिटर्न देता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कमाए हुए पैसे पे तो रिटर्न मिलता ही मिलता है, लेकिन एक लंबे टाइम पे आपको कमाए हुए पैसे पे रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न पे आपको आगे और रिटर्न मिलता है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपने भी सोचा है कि आज से आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है और आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ी रकम बनानी है, तो आप सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान दें। पहला पेशेंस, पेशेंस लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप एक अच्छी रिटर्न कभी नहीं बना पाएंगे। सेकंड, आपको देखना है कि वो रिटर्न कैसे देता है, वो आपको सिंपल रिटर्न देता है या कंपाउंडेड रिटर्न देता है, क्योंकि कंपाउंडेड रिटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तीसरा, आपको देखना है कि आपको कैसे एसेट में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है क्योंकि मार्केट में बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से अपने हिसाब से यूज़ करोगे जिससे आप अपने कमाए हुए पैसे को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रकम बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल में हर वीक 3 से 4 वीडियोज़ फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बनाते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और एक बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।